गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिन की शुरुआत हो गई है एक गर्म कप नींबू पानी से। नहा धो चुकी हूँ, मैं तैयार हो रही थी। आज है सही साहब की छुट्टी और आज हमारे बाहर निकलने का दिन है। हम लोग जाएंगे और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, शॉपिंग वॉपिंग है, वो करेंगे और बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। आई थिंक विल प्रॉब्ली बी गोइंग टू द स्कूल ऑल्सो, क्योंकि कुछ तो कुछ छोटा छोटा छोटी चीज़ें चल रही हैं जिसकी जाके बात करके आनी है, तो वो भी करके आते हैं और फिर मिलते रहते हैं आपसे बीच बीच में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सेरी साहब? गुड, ऑल ओके? चलो ठीक है, फिर उठ जाओ, मैं तो हो गई तैयार। ठीक है जी, चलते हैं फिर सर, लेट्स गो। बाय बाय, टेक केयर, आते हैं करके काम। राम, वो रील कितनी परफेक्ट है, आप बाहर निकलते हो पैसे टंग ऐसे मैसेज आता है, टंग खर्चा शुरू होता है। अभी जैसे हम बाहर निकले हैं 2000 लग गए, हुण हले तू सोंदा होंदा बेड च, फिर कदे कुछ नहीं लगना सी। उन से जाएगा बाहर जाके, फिर तू खाना भी है, फिर दे पैसे। वो रील देखी तुमने? नहीं देखी है? सबको पता होगा जो मैं बात कर रही हूँ, मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ द हाउस वो खर्चा होना शुरू हो जाता है। सो हम लोग भी निकल गए हैं खर्चा करने, बैंक का काम हमारा हो गया। फिर बोलेंगे बैंक पहुँच गए, बैंक का काम हमारा हो चुका है। रिदा के स्कूल में अपॉइंटमेंट है 3 बजे की, उससे पहले हम देखेंगे मार्केट के काम करेंगे। आई एम लुकिंग फॉर शूज, आई थिंक हमें DLF मॉल जाना चाहिए संगीत, मेबी वहाँ सब मिलेगा। मुझे ट्रेंच कोट भी चाहिए, वहाँ पे मिलेगा ज़्यादा वाला, पे टांग वाला, मोटा वाला टांग होएगा फिर उससे। आज सारा दिन यू विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि तुम तो मुझे शूट करोगे नहीं, सो मैं तुम्हें शूट करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फॉर शूटिंग मी। व्हाई यू टेस्टिंग इट लाइक दिस? आई फोर्स्ड हिम टू ऑर्डर दिस, वो मुझे इसकी शक्ल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जैसे इसने टेस्ट किया। तो मेरा एक बार बहुत खराब एक्सपीरियंस हो चुका है। सो देन व्हाई डिड यू कम हियर? बट वो मेरी गलती थी, मैंने जो ऑर्डर की थी कॉफ़ी, मैंने एक दिन रात को मंगाई थी कॉफ़ी, तो मेरी पढ़ने में दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हुई, वो कैंड कॉफ़ी आ गई थी, वो दूसरी है वो बिल्कुल ब्लैक थी, तो एक बार एक्सपीरियंस मेरा ठीक नहीं रहा। ये पी के बताना कैसी है? This is their Vietnamese coffee. Whoa. It's nice? Chalo, that's good. Good. सवारी पहुंच गई लाजपत नगर और जुड़े हुए हाल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, अब यहाँ से लेनी है बहुत सारी चीज़ें, लेते हैं जाके। सुबह का खाना खाया हुआ था, अब हम खा रहे हैं जल्दी से चाइनीज नूडल्स और भूख लगी थी, पेट पूजा हो गई, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। ये ऐसे वो है बैंक है, हाँ बैंक अच्छी बनी हुई है। ये लिखा हुआ था तो ये भाई खड़ा हो गया यहाँ पर खाने के लिए, ये इतने प्यार से बुला रहे हैं, एक मोमो खाओगे क्या? तो आगे देखना चाहिए। सो आई हैव शॉप्ड सो मच दोस्तों, मैंने बहुत शॉपिंग करी है। फोटो में आ जाएंगे सारे? फोटो में आ जाएंगे। जूते लिए हैं, ये भी रिदा मेरे राहुल के जूते, वो देखो रिदा के पास कितना सामान है। आज अच्छी शॉपिंग थी ना? कीचू से लेके रिदा सबकी, अर्जुन इधर रही है, अर्जुन और आर्यन। हाँ चल 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 चल, हाँ हाँ चल 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 चल, चलो ठीक है ठीक है, मिलते हैं इसको सुला के। हाँ ओके, बाय बाय बाय।
हेलो जी एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसन बा हैं आप सभी लोग? कैसन बा आ रहा है बिकॉज माला अपने घर पे बात कर रही है, वो पूरी भोजपुरी में लगी हुई है, तो मैं भी वही कर रही थी। और भाई एक बड़ी खबर, अभी मुझे तो इसका वेट नहीं था और ये हो रहा है यूके जाने से पहले ही, तो मुझे ऐसा लगा था कि क्यों अभी हो रहा है, यू नो थोड़ा टाइम और रुक जाता तो हो जाता। बट रिदा आपको बताएगी कि क्या हो रहा है। रिदा आ चुकी है बाय द वे स्कूल से दोस्तों। सो गाइस, मम्मा नहीं चाहती थी क्या ये हुए और मैं नहीं चाहती थी। मेरा मिडिल का टीथ इज मूविंग। इसका टीथ बिगल करने लग गया है भाई लोगों। और मुझे क्लास में बुलाना आ रहा था, बलद आया था। जब रिदा छोटी थी तो बोलती थी बलद। तो हाँ भाई, इसका टीथ विगल करने लग गया है। आई वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि अभी हो जाएगा। तो क्या हुआ था, मैं स्टोरी बताती हूँ, थोड़ी सी बैक स्टोरी क्यों मैं को अभी ऐसा मैं नहीं कर रही थी एक्सपेक्ट। बिकॉज जब रिदा छोटी थी ना और एक साल की हो गई थी, मतलब इसका फर्स्ट बर्थडे हमने मना लिया था, और भाई इसके दांत ही नहीं आ रहे थे। तो इसके दांत ही नहीं आ रहे थे, और ऐसे नहीं ये दांत बिना दांत के एक साल का बच्चा, एक साल से मैं ऊपर हो चुकी थी, दांत एक भी दांत नहीं था इसका, एक भी। तो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड आई आस्क्ड हिम कि मैंने कहा दांत आएंगे ऐसी बोड़ी रहेगी ये? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको आप खुश रहो बिकॉज बच्चों के दांत आने पे बहुत ज़्यादा बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो कई लोगों के 5-5 महीने में ही आ जाते हैं। तो रिदा के केस में क्या था, दैट शी स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी अर्ली, इसने बोलना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। इसके दांत इसके दांत और इसने चलना लेट शुरू किया था। बट हाँ, मैडम जी ने बोलना पहले से ही शुरू कर दिया था, पहले से ही पता था कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे। तो रिदा बोलना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, और आई थिंक इसी यही रीजन है कि इसके सब दांत भी लेट टूट रहे हैं। और जब मैं मम्मा की टमी में थी तभी मैं पापा के साथ बात करती थी। हाँ, तभी बात करती थी पापा के साथ पूरी। तो दोस्तों, सामान हो गया है बहुत ज़्यादा जो बाहर पड़ा है। मैं सोच रही हूँ मैं एक बैग पैक करके रख देती हूँ जो कि गर्म कपड़ों का है और जो अभी हमें चाहिए नहीं यहाँ पे। सो आई एम थिंकिंग दैट आई पैक दिस बैग और इसको इसमें सारा सामान डाल के इसको बंद करके रख देते हैं। यूके दी पैकिंग होगी शुरू, चलो लेट्स गो। सो अभी रिदा मैडम जो भी हम इसकी कल सामान शॉपिंग वॉपिंग जो भी करके लाए हैं वो सब हमें पूरा पहन के दिखा रही है। Nice. So, ये मैं इसके लिए लेके आई थी अभी, जैसे घर पे पहनने वहनने के लिए कपड़े वपड़े, मतलब ये यहाँ के लिए वो सब लेके आई थी कल। नाइस रिदा, इट्स लुकिंग नाइस। कल मैंने अपने लिए सामान मंगाया था, कल क्या मतलब ये मैंने ऑर्डर तो मेरे चल ही रहे हैं, ये मैंने क्लोविया से हाँ मंगाई थी अपनी जिम वाली जो होती है ना लेगिंग्स वगैरह, मतलब जिम पैंट्स जो होती हैं बेसिकली जो पहनते हैं हम, ये वाली मंगाई थी एंड आई गॉट इट ऑन सेल गाइस। ये तो खैर मैं पहनती आ रही हूँ ये वाली, तो आई नो द ब्रांड इज नाइस और इसमें पॉकेट्स भी हैं दोनों साइड। एंड डू यू नो ये मुझको कितने की मिल गई हैं, ओनली 380। इसमें पता नहीं कितना 70% ऑफ लगा हुआ था क्लोविया पे, सो आई गॉट 4 ऑफ देम। चलो ओम नमः शिवाय करके चीजें रखने शुरू कर देते हैं। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, कल रिदा शूज दिखा दो। आई गॉट न्यू शूज फॉर रिदा, कम हियर। रिदा अपने सारे कपड़े पहन के देखिए जो मैंने रिसेंटली इसके हुडीज वगैरह मंगाए। हेलो सिटी फैमिली, हेलो द सिटी फैमिली। सुराहुल सिटी हमें लेके आ गए हैं, कहाँ पे? हमारे सीआर पार्क। मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है, मीठा खाने का मन हो रहा है। बंदा अभी ऑफिस से आया, डिनर किया। रिदा सिटी इज नॉट वेल टुडे, शी इज आल्सो कम। दादी सिटी इज आल्सो देयर, हमारे पापा सिटी इज आल्सो देयर, मेरे पापा सिटी इज देयर। हम मच्छी भी आंधी पई है मोस्ट, मम्मी करते हैं मुंह हूं ऊं हूं और पापा गुड़ वाली है बर्फ बर्फ डाल के रख रहे थे वो वहाँ पर, उससे वो है ना सारा दिन काम किया उन्होंने, अब जो माल बच गया है उसको बर्फ से ढक के जा रहे हैं। वे आएंगे आप इस मार्केट आए नहीं हो सर? इस मार्केट नहीं आए ना?
बस अब आपने आना है फिर। मेन सड़क से इधर से नहीं, इधर नहीं। यहाँ पे हम ऐसे ट्राई करते हैं, देखो अलग अलग, फिर जो पसंद आता है वो लेते हैं। इट्स नॉट द सेम, वो चीज़ नहीं है ये, वो अलग चीज़ थी। राहुल पोपट हो गया, जो हम खाने आए थे वो हमें मिल ही नहीं रहा, वो टेस्ट नहीं मिल रहा हमें। वो चीज़ नहीं है, यह बनी हुई नहीं आज वैसे, पता नहीं। मम्मी को बोलना क्या कहेंगे? वो रसमलाई कह रही मम्मा। मैं और इधर बैठे हैं यहाँ पे रिक्शे में, आउटडोर रिक्शे में, तो इधर से खड़ा नहीं हुआ ज़्यादा। क्या हुआ? नहीं डांटेंगे। गोलगप्पे चल रहे हैं, पूछ के डिनर करके ये बंदा डिनर करके खा रहा है। चीयर्स चीयर्स, एंजॉय। हम जा लाइकिंग इट।